1260 देखते रहिएगा आप। देखिए 1294 देख 13 पे आ गया, आप भी कट जाएगा ये देखिए। ठीक, एकदम से अच्छे से वर्किंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके दोस्तों, वेलकम है यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप लोग की डिमांड पर देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ। आप लोगों ने कहा था कि ऑटो कट बैटरी चार्जर का सर्किट बनाकर दिखाइए, तो देखिए बहुत छोटा सा सर्किट बनाकर दिखाया है, इससे ज़्यादा सिंपल सर्किट नहीं बना सकता और नहीं बनाया भी जा सकता। ठीक है दोस्तों, सिर्फ रिले यूज़ करी गई है जिसकी कुछ वैल्यूज़ मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को दिख जाए। देखिए ठीक है, तो आप देख सकते हैं 10 एम्पीयर तक के लिए वैलिड है 28 वोल्ट पर डीसी पर, बाकी आप एसी पर भी देख सकते हैं 250 वोल्ट के साथ 1.7 एम्प्स और ठीक है 120 वोल्ट के साथ और 12 एम्प्स, ठीक है 250 वोल्ट के साथ 7 एम्प्स है बेसिकली आप देख सकते हैं, और 10 एम्प्स डीसी 28 वोल्ट। इस तरीके से ये रिले है, पोटेंशियोमीटर है दोस्तों 5K का, दो LED यूज़ कर रहे हैं 3-3 वोल्ट वाले, और एक रेजिस्टेंस 1K का यूज़ कर रहा है। कनेक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, कैसे उसको बताना है, कैसे उसको बनाना है नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ बताऊँगा। अगर आप लोग कमेंट में पूछेंगे कि हाँ इसको बताना है, तो मैं ज़रूर से आप लोग को डिस्क्राइब कर दूँगा। वर्किंग दिखा देता हूँ दोस्तों, वर्किंग के लिए मैं जो हमने कुछ दिन पहले अपने हाथों से और ख़ुद से बनाया था दोस्तों, ये और देख सकते हैं वेरिएबल पावर सप्लाई डीसी की, ये हमें 15.5 वोल्ट दे सकता है। तो अभी हमने जो सेट करा है इसको कि ये डिवाइस हमारी ऑफ हो जाए लगभग 13 वोल्ट्स, एक्यूरेट 13 वोल्ट्स पर, ठीक है यहाँ पे लगभग की बात करना बेकार है, यहाँ पे एक्यूरेट की बात कर रहा हूँ, तो 13 वोल्ट्स पर ये कट हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं ग्रेजुअली वोल्टेज बढ़ा के आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो आप लोग को सिर्फ मीटर की वैल्यू देखनी है और ये देखना है। देखिए अब मैं बढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ठीक है, अब ये हमारा ग्रीन LED ऑन है, ठीक है ये हमारा ऑन रहेगा, जब बैटरी फुल चार्ज जाएगी तो ये वाला LED जल जाएगा, जो ये इस तरह दिख रहा है आप लोगों को ये ब्लू कलर का, लेकिन ये ग्रीन जलेगा। ठीक है, ये वाला जल जाएगा जब यहाँ पर 13 वोल्ट्स क्रॉस हो जाएंगे, इसका मतलब है कि ये बैटरी सर्किट को कट कर दिया, चार्जिंग को कट कर दिया। ठीक है, अब वोल्टेज और ये एक साथ आप देखते जाइए, जल्दी से मैं इसको 12K अबाउट ले आ रहा, ठीक है देखिए आ गए हम, अब देखिए रिफ्लेक्शन पड़ रही है, ठीक है आप देखते रहिएगा वोल्टेज, देखिए 1260 देखते रहिएगा आप, देखिए 1294 देख 13 पे आ गया, आप भी कट जाएगा ये देखिए। ठीक, एकदम से अच्छे से वर्किंग कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और वापस से देखिए नीचे ला रहा हूँ वोल्टेज। ठीक है, अब धीरे से एक बार और करके देखूँगा, ये हम आ गए 10 साढ़े 10, देखिए पौने, ठीक है ना, देखिए आ रहे हैं आगे को, बहुत धीरे से ला रहा हूँ दोस्तों, देखिए 12:30 आ गए हैं। ठीक है, तो ये दिखा नहीं हमें एकदम से, लेकिन 13 वोल्ट पे कट हुआ है, बहुत धीमे धीमे इसको सेट करा है, ये देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे से काम करा है, नो प्रॉब्लम। और एक बार और देखने की कोशिश करेंगे सही से वैल्यू टू वैल्यू, ये हम देख सकते हैं, देखिए 12.5, अब ये आ गए हम नियर अबाउट कट होने पर वाला है दोस्तों, ये देखिए। ठीक, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम। और आप लोग को बता दीजिए कि अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो मैं ज़रूर से वीडियो में शेयर करूँगा, और जो इसको हमने बनाया है दोस्तों, ठीक है, तो जो कंपोनेंट दिख रहे हैं बस यही है, इसके अलावा कोई कंपोनेंट यूज़ नहीं करा गया है, और 10 एम्पीयर तक की रेंज के लिए वैलिड। ठीक है, 10 एम्पीयर तक काम करेगा, नो प्रॉब्लम। फिलहाल आप इसको 10 एम्पीयर ना यूज़ करके 8 या 7 एम्पीयर तक ही यूज़ करेंगे, हर चीज़ को उसकी सेफ मैनर में यूज़ करना है। पहले मैं आप लोग को 100 एम्प्स ये बता चुका, ठीक है, तो हमेशा उसको अंडर लिमिट, किसी भी डिवाइस को अंडर लिमिट ही चलाना है। इस तरीके से वीडियो है, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है।